हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जी एस और इंग्लिश कैमिंग में आपका स्वागत है। एंड वी आर हियर टू लर्न टुडे रूट वर्ड्स। दिस इज आवर क्लास 5th। रूट वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे जहाँ एंटनिम और सिनानिम की बात होगी वहाँ सिनानिम और एंटनिम हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है प्रत्येक वर्ड का जो है सिनोनिम और एंटोनिम निकल कर आए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा हमारा वर्ड है वो है एक्रो, एक्रो, ठीक है, एक्रो। और एक्रो मीन्स होता है हाई, एक्सट्रीमिटी, टॉप। टॉप की जगह आप जो है एक वर्ड और जोड़ सकते हैं टिप। टिप मतलब होता है नुकीली सतह या नुकीला सिरा, नुकीला सिरा, उसी को बोलते हैं टिप, ठीक है, नुकीला सिरा। तो सिरा में सी, हाई यानी ऊंचाई पर स्थित, एक्सट्रीमिटी मतलब भी उत्तुंगता होता है, ऊंचाई होती है, टॉप मतलब भी ऊंचा होता है, और टिप मतलब नुकीला सिरा। तो हमारे सामने इससे रिलेटेड एक वर्ड है जिसका नाम है एक्रोबैट। एक्रो में आप देखिए ए सी आर ओ जुड़ा है और प्लस बैट जुड़ा है। ए सी आर ओ का अर्थ यहाँ पे आपको पता चल गया है और बैट का मतलब होता है टू वॉक, टू वॉक, ठीक है, मूव करना। आर यू कैन से मूव, टू मूव। एक्रोबैट यानी जो ऊंचाई पर मूव करता हो, ऊंचाई पर चलता हो, उसी को बोलते हैं हम एक्रोबैट। आप कह सकते हैं ए हाई वॉकर, हाई वॉकर। तो आप जैसे सर्कस वगैरह में जाते हैं तो आपको नट या बाजीगर दिखते हैं, बाजीगर, ठीक है, नट या बाजीगर दिखते हैं, वही होते हैं एक्रोबैट, ठीक है। जैसे कोई जो है रोप पर चल रहा है, रस्सी है बंधी है और इस पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर चल रहा है, ठीक, इस रस्सी पर होके इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्रोबैट। या फिर कोई व्यक्ति है जो बांस का पैर बनाया हुआ है, बांस का, ठीक है, इस पे वो खड़ा हुआ है, इस बांस पे खड़ा हुआ है, ठीक, और वो चल रहा है, वो क्या हो गया, एक्रोबैट हो गया, बाजीगर बोलते हैं इसको, ठीक। इसका जो सिनानिम होगा वो कौन सा होगा, परफॉर्मर। परफॉर्मर मतलब होता है प्रदर्शक, प्रदर्शक, जो प्रदर्शन करता हो, ठीक है, अतुलनीय प्रदर्शन करता हो, जिसकी तुलना ना की जा सकती हो। रोप वॉकर, जैसा कि हमने बताया, टाइट रोप वॉकर, टाइट मतलब बंधी हुई रस्सी पर चलने वाला। और एक वर्ड आता है फ्यूनाम्बुलिस्ट, फ्यूनाम्बुलिस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है जो है बाजीगर या मजेदार, मजा देने वाला, ठीक है, मजेदारी, बाजीगर या मजेदारी, यानी जो आनंद देता हुआ व्यक्ति हो उसी को हम बोलते हैं फिनाम्बुलिस्ट, बाजीगर, ठीक है, मजेदारी। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है एक्रोकार्पस, ठीक, एक्रोकार्पस। तो एक्रोकार्पस यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं, एक वर्ड है एक्रो और एक वर्ड है कार, कार्प, ठीक, और ओ यू एस लगने से ये ना, ये हो गया है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नेचर की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये एडजेक्टिव है। तो कार्प मतलब क्या होता है, कार्प मतलब होता है फ्रूट, फल या फसल कह सकते हो, ठीक है, या उत्पाद, प्रोडक्ट कह सकते हो। तो एक्रोकार्पस मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्रो मतलब हमने क्या देखा था, हाइट, मतलब हाई, एक्सट्रीमिटी, और टिप या टॉप, ठीक, और कार्प मतलब फ्रूट, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनके नुकीले सिरे पर, जैसे ये पौधे हैं, इसकी ये कोई पत्ती है या कोई डाली है और इस नुकीले सिरे पर कोई फल लगा हुआ हो, उसी को बोलते हैं एक्रोकार्पस, ठीक है, एक्रोकार्पस। जैसे आप देखते होंगे ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है,
तो ड्रैगन फ्रूट एक्रोकार्पस की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, एक्रोकार्पस की श्रेणी में रखा जाता है ड्रैगन फ्रूट को। आप कह सकते हैं ए प्लांट हैविंग फ्रूट्स ऑन इट्स टिप, ए प्लांट हैविंग इट्स फ्रूट, हैविंग फ्रूट्स ऑन इट्स टिप, यानी नुकीले सिरे पर, एक ऐसा पौधा जिसके नुकीले सिरे पर, ठीक है, कोई डाल हो, कोई जो है पत्ती निकली हुई हो, या कोई दूसरी शाखा हो जिसके एकदम नुकीले सिरे पर कोई फल लगा हुआ हो, उसी को बोलते हैं एक्रोकार्पस, एक्रोकार्पस, ठीक। एक और वर्ड ध्यान आ रहा है, ठीक है, जिम्नास्ट के लिए एक वर्ड होता है एक्रोबैटिक्स, ठीक, एक्रोबैटिक्स वर्ड यूज होता है जिम्नास्ट के लिए, जो एक्रोबैट से संबंधित है, एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक्स, ठीक है। तो एक्रोबैटिक्स जो वर्ड है इसमें आईसीएस जुड़ गया है, एक्रोबैट, एक्रोबैट, आईसीएस जुड़ने से ये क्या हो गया है, नाउन हो गया है। नेचर की बात करें तो ये नाउन है, ठीक है, नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीट्स, द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक्स, ठीक है, जिम से संबंधित जो स्किल होती है, योग्यता होती है, उसके लिए हम एक्रोबैटिक्स का यूज करते हैं, ठीक। चलिए, तो एक्रोकॉर्पस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का जो है प्लांट होता है जिसके नुकीले सिरे पर कोई उसके फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, जिसके नुकीले सिरे पर उसके फ्रूट्स आते हैं, तो ये एक्रोकार्पस हो गया। अगला वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड एक्रोपोलिस, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको रूट दिखाई दे रहे हैं एक्रो, और एक्रो मतलब हाई, एक्सट्रीमिटी, टिप टॉप, टिप और टॉप, और प्लस पॉलिस लिखा हुआ, पॉलिस, ठीक, तो पॉलिस मतलब होता है सिटी, ठीक है, जैसे मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है बहुत घना बसा हुआ शहर, तो उसमें भी पॉलिस शब्द जो आया है वो सिटी के लिए ही आया है, ठीक है, तो पॉलिस मतलब सिटी। एक्रो मतलब ऊंचा ऊंचा, यानी शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी की गई हो, ठीक है, किला बनाया गया हो, उसी को बोलते हैं एक्रोपोलिस। या आप कह सकते हैं जो ऐसा किला या ऐसा शहर जो एकदम पहाड़ी पर बसा हुआ हो, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो ए फोर्ट और साइटेडल इज ऑन द टिप ऑफ द हिल, ए फोर्ट और साइटेडल, सी आई टी ई डी ए एल, साइटेडल is on the tip of the hill, यानी पहाड़ी की चोटी पर एकदम नुकीली सतह पर बसा हुआ शहर, उसी को हम बोलते हैं एक्रोपोलिस, ठीक है, उसी को कहा जाता है एक्रोपोलिस। जैसे हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो एकदम ऊंचाई पर बसे हुए हैं, ठीक है, टिप पर बसे हुए हैं, हिल के एकदम टॉप पर बसे हुए हैं, उन्हीं को हम एक्रोपोलिस बोल सकते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे साइटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, अब जैसे ही फोबिया शब्द आया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्रोफोबिया, ये हाँ, ये वर्ड जो है नाउन है, नाउन है, और ये भी वर्ड क्या है, नाउन है, डर को बता रहा है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो वर्ड है, एक्रो, एक्रो मतलब ऊंचाई, एक्सट्रीमिटी, टिप, और फोबिया किसको दर्शा रहा है, डर को, डर यानी फियर, फियर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, फियर ऑफ
हाइट, यानी जो ऊंचाई से डर होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर उसी को कहा जाता है एक्रोफोबिया। और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और ये जो वर्ड्स हैं एक्रोकॉर्पस, एक्रोपोलिस, ये वर्ड्स जो है पेपर वगैरह में आते रहते हैं, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं सुने रहते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से जो है समझ जाइए और यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है ढेर सारा। चलिए अगला वर्ड है जो एक्रो से संबंधित है हमारा, एक्रोलेट, ठीक है? पांचवा वर्ड है एक्रोलेट। अब इसमें भी आप देख रहे हैं एक्रो वर्ड है और प्लस एक्रो मतलब हाई एक्सट्रीमिटी और लेक्ट लिखा हुआ है। लेक्ट मीन्स होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी हाई लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? उच्च स्तरीय भाषा। तो फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज दैट हैज ए हायर लेवल देन एनी अदर फॉर्म, ठीक है? फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज दैट हैज ए हायर लेवल, हैज ए हायर लेवल एल है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? किसी भी भाषा से संबंधित है ये, ठीक? जैसे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी बोली जाती है तो सबको समझ में आती है, लेकिन अगर वही हिंदी कठिन शब्दों को लेकर बोली जाए, कठिन शब्दों का प्रयोग करके बोली जाए, तो उसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या बोली, ठीक है? या बोली कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कठिन शब्द का प्रयोग होता है और उसको जब हम बोलते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वही उच्च स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय बोली होती है जो दूसरे लोगों के कम समझ में आती है या बड़ी कठिनाई से समझ में आती है, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है उस लैंग्वेज को समझने में। अगला वर्ड है हमारा एक्रोनिम, ठीक है? सिक्स्थ वर्ड है हमारा एक्रोनिम। एक्रोनिम में आप देख रहे हैं एक्रो, इसमें भी वर्ड है एक्रो। एक्रो मतलब टिप या हाइट हो गया, हाई हो गया, प्लस निम लिखा हुआ है और निम मतलब होता है क्या? वर्ड। आप जानते हैं निम वर्ड के लिए यूज होता है, जैसे सिनानिम या एंटनिम। तो सिनानिम सिन मतलब होता है एक समान और एंट एंट मतलब होता है विरोधी विपरीत। निम लिखा हुआ है एंटोनिम हो गया और सिनानिम हो गया, निम मतलब होता है वर्ड शब्द, ठीक है? तो दोनों में आप देखते हैं चाहे वो एंटोनिम हो या सिनानिम हो, दोनों में निम शब्द आया है और निम का मतलब होता है शब्द। तो सिनानिम है एक समान शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द और एंटोनिम है तो विपरीत अर्थ वाले शब्द, ठीक है? तो निम वर्ड से है, निम मतलब वर्ड होता है। तो एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम एक्रो मतलब होता है हाई, ठीक, और निम मतलब वर्ड होता है, ठीक है? तो किसी संक्षिप्त शब्द का जो है विस्तार उसी को बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है? या एब्रिविएशन, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन उसी को बोलते हैं हम एक्रोनिम। आई बात समझ में? अब जैसे अगर एग्जाम्पल लेकर लेकर बताएं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम एक्रोनिम के अनुसार यूज करते हैं, ठीक? तो जैसे मान लो किसी लंबे से शब्द को परिवर्णी शब्द या संक्षिप्त रूप दे देना या लघु रूप दे देना। जैसे मान लो लिखा हुआ है इंडियन सिविल सर्विसेज, ये बड़ा सा शब्द है, इसके पहले पहले वर्ड को हमने ले लिया आई सी एस, ठीक? तो ये क्या हो गया? ये एक्रोनिम हो गया, इसी को बोलते हैं एब्रिविएशन। इसी तरह से एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम, क्या नाम है उसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड लाइन आ जाती है बार बार,
इम्यूनो इम्यून डिफिशियंसी का सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके पहले वर्ड को हम ले लेते हैं, तो वही हो जाएगा संक्षिप्त इसका। ठीक, तो क्या हो जाएगा? AIDS। ठीक, AIDS। तो आई होप ये सारे वर्ड जो एक्रो से संबंधित हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूट वर्ड एगॉग। एगॉग, ठीक है, एगॉग या एगॉज, जो भी आपको उचित लगे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एगॉग का मतलब क्या होता है? लीडर, और टू लीड, लीडर यानी जो अगुआ होता है, गाइड करने वाला होता है, नेता। ठीक है, या नेतृत्व करना। तो इसमें जो हमारा पहला शब्द है वो है डेमागॉग। डेमागॉग, अब डेमागॉग में आप देख रहे हैं जो दो शब्द मिला हुआ है, एक डेमो या डेमो शब्द मिला हुआ है, डेमा या डेमो कह सकते हैं। डेमो का मतलब होता है पीपल, POPEOPLE, पीपल। और एगॉग, एगॉग, और एगॉग का मतलब होता है टू लीड, टू लीड यानी लोगों का नेतृत्व करने वाला या लोगों का नेतृत्व करता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीडर। तो आप कह सकते हैं ए पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल यानी जनता का जो नेतृत्व करता हो उसको हम बोलते हैं नेता। नेता, अब देखो नेता का काम क्या होता है? एजिटेटर, एजिटेटर, ठीक है, जनता को जो है उकसाने वाला, नेतृत्व करने वाला, आगे ले जाने वाला। ठीक, रबल राउजर, रबल राउजर का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देने वाला, यानी जनता के समक्ष पहुंचकर, ठीक है, और कुछ इस तरह से जो है अशांति फैलाए या भीड़ को उत्तेजना प्रदान करे जिससे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। एजिटेटर तो मान लो एक आंदोलनकारी के लिए यूज होता है, ये अशांति भी फैला सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन रेबल राउजर है ये केवल केवल अशांति फैलाने वाला काम करता है, ऐसा नेता जो। और फायर ब्रांड, फायर ब्रांड का मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हाँ जो अशांति फैलाए, ऐसा व्यक्ति जो अशांति फैलाए उसके लिए हम फायर ब्रांड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं वो हमारे फायर ब्रांड हैं, ठीक, अशांति फैलाते हैं, वो जो है तेज तर्रार नेता है, तो ये फायर ब्रांड शब्द यूज होता है यहाँ पे। ये फायर ब्रांड शब्द नाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, चलिए अब मान लो अगर इसके अपोजिट में कोई वर्ड मिलता है, ठीक है, तो फायर ब्रांड के अपोजिट में तो क्या होगा? काम, शांति। ठीक है, काम, ऐसा नेता जो शांतिपूर्ण तरीके से काम करता हो, शांत प्रिय व्यक्ति हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एनागॉग। एनागॉग का मतलब क्या होता है? एनागॉग, तो एना का मतलब जो वर्ड है एना, इसका मतलब होता है अगेन, अगेन यानी दोबारा, और प्लस एगॉग शब्द लिखा हुआ है एगॉग, तो एगॉग का मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, एगॉग का मतलब लीडर, ठीक, लीड करना, टू लीड करना। तो अब यहाँ पे जो है जो शब्द आया है एनागॉग का, ठीक, ये कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं? ठीक है, बार बार दोहराते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं? तो याद रखना जो मिस्टिकल चीजें होती हैं, मिस्टिकल मतलब जो धर्म से संबंधित होती हैं, शब्द से संबंधित होती हैं, आध्यात्म से संबंधित होती हैं, उन्हीं को हम जो है मिस्टिकल बोलते हैं।
ठीक है, मिस्ट्री वाला बोलते हैं। तो लीडिंग ए वर्ड फॉर मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब हो जाएगा, इसका लीडिंग ए वर्ड फॉर मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया, शब्द या शास्त्र की आध्यात्मिक व्याख्या करना, शब्द या शास्त्र की आध्यात्मिक व्याख्या, व्याख्या ठीक है, किसी शब्द या किसी शास्त्र की। जैसे कुछ लोग हैं, हाँ, वेद को जो है साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो वेद पुराण हैं उनको साइंटिफिक वे में ना पढ़कर जो है अध्यात्म से जोड़ देते हैं, ठीक है, अध्यात्म से जोड़ देते हैं। जैसे ऋग वेद है, उसमें इंद्र की बात की गई है, तो इंद्र किससे रिलेटेड है, तो उसमें कृषि के देवता के रूप में रिलेटेड है, मतलब इंद्र जो है बरसात करते हैं, इंद्र सबसे बड़े देवता माने गए हैं ऋग्वेद में, तो ये अध्यात्म हो गया, अध्यात्म ठीक है। और जो है कुछ लोग हैं उसको मतलब इस तरह से वर्णित करते हैं कि निश्चित रूप से इंद्र जो है एक समुदाय के अगुआ रहे होंगे, ठीक है, राजा रहे होंगे, अगुआ रहे होंगे, जो कृषि से संबंधित कार्यों को करते थे, गाय पालते थे, ठीक है, गायों की रक्षा करते थे इत्यादि, ठीक। तो कुछ लोग हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, और कुछ लोग हैं आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं उस चीज की। तो जो आध्यात्मिक व्याख्या है उसी को बोलते हैं एनाडॉग। चलिए, हमारा अगला वर्ड है नेक्स्ट मिस्टेगॉग, ठीक है, मिस्टेगॉग। अब यहाँ पे मिस्ट शब्द आ ही गया है, मिस्टेगॉग, तो मिस्टेगॉग का मतलब क्या होता है, और याद रखिए जहां पर एगॉग शब्द लगा होगा, ठीक है, वो नाउन ही होगा, ठीक, एगॉग वर्ड जहां पर लगा होगा वो नाउन होगा, आप इस बात को याद रखिएगा, ये नाउन है, ठीक। तो मिस्टेगॉग, आप यहाँ पे मिस्ट शब्द देख रहे हैं, मिस्ट, और मिस्ट का मतलब क्या हो गया है, मिस्ट्रीज या आध्यात्मिक, जिसको आप बोलते हैं मिस्ट्रीज से लिया गया है, और प्लस एगॉग, एगॉग का मतलब टू लीड, ये लीडर, ए पर्सन हु लीड्स इनटू मिस्ट्रीज, ए पर्सन हु लीड्स इनटू मिस्ट्रीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज अर्थात आध्यात्मिक सिद्धांतों को शुरू करता है, ठीक है, टू लीड करता है, उसी को बोलते हैं हम मिस्टेगॉग, यानी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला, आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला, ठीक है, या आध्यात्मिक सिद्धांतों को लोगों के समक्ष, लोगों के बीच में रखने वाला। तो एक जो है आचार्य प्रशांत हैं, जो आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं प्रत्येक चीजों की, ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को शुरू किए हुए हैं। एक है सदगुरु, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को बड़े अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, उसको जो है वैज्ञानिक वे में और अवैज्ञानिक वे में दोनों में बताते हैं, ठीक। चलिए, अगला वर्ड है हमारा सिनेगॉग। सिनेगॉग ये जो है एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिनेगॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिनेगॉग मतलब एसएससी के एग्जाम में वो जो परिशिष्ट आता है, पैराग्राफ जिसको आप बोलते हैं, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, उसमें ये पूछा गया है सिनेगॉग। तो सिनेगॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिनेगॉग, अब यहाँ पे देखो सिन शब्द आया है, सिन का मतलब होता है द सेम या सेम, सेम यानी समान, और प्लस एगॉग, एगॉग का मतलब होता है टू टू लीड, लीडर। तो ये जो वर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यह एक प्रकार का मंदिर होता है, ठीक है, जिसको आप यहूदी मंदिर कहते हैं,
यहूदी मंदिर, ठीक, यानी ए वर्शिप प्लेस ऑफ द जीसस, वर्शिप प्लेस ऑफ जीसस, वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड लीडर, वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड एज ए लीडर, एज लीडर, ठीक है। एक ऐसा यहूदी मंदिर जहां पर सभी लोग, जितने भी लोग वहां पर जाते हैं पूजा पाठ करने, ठीक है, जितने लोग भी जाते हैं वहां ईश्वर के समक्ष सिर झुकाने, उनको ये माना जाता है कि वो सभी क्या है, नेतृत्व करता है, इस दुनिया के नेतृत्व करता है, ऐसा यहूदी मंदिर, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और एक वर्ड और भी बार बार पूछा जाता है जिसको कहा जाता है हिप्नेगॉग, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, हिप्नेगॉग। तो यहाँ पे जो वर्ड है, एक वर्ड है HYPN, तो ये किससे लिया गया है, हिप्न, ये लिया हिप्नोसिस से लिया गया है, और हिप्नोसिस का मतलब होता है टू टेक ए पर्सन इनटू स्लीपनेस, ठीक, किसी व्यक्ति को जो है निद्रा में लेके जाना, तो हिप्नोटाइज करना जैसे हो गया, ठीक है, अचेत कर देना, तो वही हिप्न है। हिप्न मतलब होता है स्लीप, स्लीप, और एगोग का मतलब होता ही है टू लीड, एगोग, ठीक है। तो ये जो हिप्नेगॉग है एक दवा का नाम है, आप कह सकते हैं ए मेडिसिन दैट लीड्स टू स्लीप, ए मेडिसिन दैट लीड्स टू स्लीप, यानी एक ऐसी दवा जो निद्रा देती है, जो नींद में ले जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको निद्रा औषधि, यानी निद्रा में ले जाने वाली दवा, निद्रा में ले जाने वाली औषधि, उसी को बोलते हैं हिप्नेगॉग, ठीक। चलिए अगले अपने नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, और हमारा जो छठा शब्द है अगॉग से संबंधित वो है पेडागॉग, पेडागॉग, ठीक है। पेडागॉग आजकल बहुत चर्चा में है, ठीक। तो पेडा में आप देखिए, ये नाउन है, नेचर से हमने पहले बता दिया, पेडा, पेडा शब्द जो आया है या पेड शब्द जो आया है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, और एगॉग का मतलब होता है टू लीड, यानी जो बच्चों को लीड करता हो, जो चाइल्ड को लीड करता हो, अर्थात क्या हो जाएगा, टीचर, अध्यापक, टीचर, ठीक है, एजुकेटर कह सकते हो, अध्यापक कह सकते हो, जो बच्चों को लीड करने वाला। तो बच्चों को कौन लीड करता है, टीचर ही लीड करता है, बच्चों को कौन जो है आगे ले जाता है, वो टीचर ही है जो बच्चों को आगे ले जाता है, ठीक है। तो पेड़ा का मतलब चाइल्ड हो गया, एगॉग का मतलब लीडर हो गया, तो जो बच्चों के लिए लीडर होता है वो कौन होता है, टीचर होता है, टीचर, इसको आप इंस्ट्रक्टर कहते हो, ठीक, अनुदेशक, एजुकेटर कहते हो, शिक्षक कहते हो, पेडेंट कहते हो, पेडेंट बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, पेडेंट, इसका मतलब भी अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, और टीचर तो है ही। तो आप इन सिनानिम्स को जो है यूज कर सकते हो इसकी जगह पर, या इनकी जगह पर, टीचर की जगह पर पेडागॉग का यूज कर सकते हो, टीचर के लिए। चलिए आज का हमारा अंतिम जो शब्द है वो है पेडागॉजी। अब ऊपर जो शब्द बताया गया है उससे आपको समझ में आ गया होगा, पेडा का मतलब होता है, या पेड का मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक, और एगॉग शब्द था और एगॉगी हो गया है, एगॉजी, जिसको आप एगॉजी पढ़ेंगे, नॉट एगॉगी, तो पेडागॉजी है, ठीक है, पेडागॉजी, ठीक है। तो एगॉजी शब्द आया है, वैसे एगॉग का मतलब होता है लीड करना, ठीक है, और जो है जब एगॉजी शब्द आ जाएगा तो आप इसको कहेंगे टू लीडिंग, ठीक है, टू लीडिंग थ्रू स्टडी, थ्रू स्टडी, यानी अध्ययन के माध्यम से बच्चों को लीड करना, तो क्या हो जाएगा, एक शास्त्र हो जाएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, शिक्षण पद्धति शास्त्र,
पद्धति, ठीक है, शिक्षण पद्धति। पेडागॉजी क्या हो गया? शिक्षण पद्धति शास्त्र हो गया, एक ऐसी पुस्तक जिसमें बच्चों को पढ़ाने के बारे में बताया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पेडागॉजी। तो आई होप इतने सारे वर्ड्स आपके समझ में आ गए होंगे, और आप पेन डाउन जरूर करिएगा, और जितने भी सिनानिम्स हमने बताए हैं उन सिनानिम्स को आप यूज करिएगा, उन सिनानिम्स को भी लिखिएगा, क्योंकि यही सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।